हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोडोन बायोलॉजी में। आज एक घंटा पहले हम लोगों ने देखा था कि एंटीबॉडी का क्या कैरेक्टर है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। अब हम लोग बात करते हैं आज एंटीबॉडी के क्विज के बारे में। 14 क्वेश्चंस हैं, आप हमारे साथ बनाइए। लाइव स्ट्रीमिंग है, आप लाइव चैट पर हमें इसका आंसर भेज सकते हैं। तो रिफ्रेश हो जाते हैं कुछ चीज़ों की, एक टेबल को ध्यान से आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए, और अगर आप पढ़ लिए हैं तो आगे बढ़िए। ये एक ओवरव्यू है कि IgG, IgD, IgE, IgA और IgM। IgA डाइमेरिक होता है, IgA एंड IgM पेंटामेरिक होता है। ये दोनों ही J चेन बनाते हैं। इसमें एक और चीज बनाता है, ये सिक्रेटरी कंपोनेंट बनाता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इक्वल टू द वर्ड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के इक्वल में कौन सा वर्ड होता है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? ये इसका आंसर होगा सी। दूसरा है, विच ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी फाउंड इन द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, इसका मतलब सल्फर। इसका आंसर है ए। अब है थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर टू द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज क्वीकर, प्रोड्यूस मच मोर एंटीबॉडी, रिक्वायर मोर एंटीजन स्टिमुलेशन और इज स्लोअर। दोनों को कंपेयर कीजिए, प्राइमरी इम्यून और सेकेंडरी इम्यून को, तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है? तो कंपेयर टू द प्राइमरी इम्यून सिस्टम, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज क्वीकर, ये ज़्यादा तेजी से काम करता है। एक ये हो गया, दूसरा और कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? प्रोड्यूस मच मोर एंटीबॉडी या रिक्वायर मोर एंटीजन स्टिमुलेशन? तो प्रोड्यूस मच मोर एंटीबॉडी, यानी कि एक और दो, ये दोनों सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ए, वन एंड टू ओनली। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस आर नॉट हाईली स्पेसिफिक। कौन सा इसमें से हाईली स्पेसिफिक नहीं होता? एंटीबॉडी एंटीजन के स्पेसिफिक होता है, बीटा लिम्फोसाइट्स ये भी स्पेसिफिक होता है, मैक्रोफाज नन ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा मैक्रोफाज। मैक्रोफाज जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द आईजी दैट फर्स्ट रीचेस टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। हम लोगों ने पढ़ा ये एक घंटा पहले उस वीडियो में, कि कौन सा वो आईजी है जो इन्फेक्शन पे सबसे पहले पहुंचता है, तो वो हो गया IgM। दूसरा है, विच इज द लार्जेस्ट आईजी। लार्जेस्ट आईजी कौन सा है? IgM, ये पेंटामेरिक होता है और इसका मॉलिकुलर वेट भी ज्यादा होता है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द IgM। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स, IgM इज पेंटामेर एंड इज लार्जेस्ट IG एंड कॉल नेचुरल एंटीबॉडी। ये सही है, बिल्कुल। IgM एग्जिस्ट एज मोनोमर ऑन बी सेल सरफेस। हम लोग जानते हैं कि IgM और IgD दोनों जो है वो बी सेल सरफेस पर होता है, और वो मोनोमर के फॉर्म में होता है जब बी सेल सरफेस पर होता है। IgM इज इन्वॉल्व इन अर्ली प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। जब दो सही हो गया तो हम लोग ऑल ऑफ द एबव कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? IgE। हम लोग जानते हैं IgG भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा IgE इन्वॉल्व होता है। द ओनली एंटीबॉडी एबल टू क्रॉस द प्लासेंटा टू गिव द पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस।
कौन सा एंटीबॉडी प्लासेंटा क्रॉस कर रहा था, हम लोगों ने देखा था, वो था IgG। IgG सिर्फ प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसके बाद है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द टीयर सलाइवा, तो एक्सोक्राइन सिक्रेशन किस एंटीबॉडी का होता है, वो है IgA। नंबरिंग थोड़ा अलग है तो इसको हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 11 से आगे शुरू है 14 तक, तो ये हो गया 15, 16 और 17। तो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पढ़िए। IgM इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा IgM इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, तीसरा है बोथ IgM एंड IgG आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, IgG इज इन्वॉल्व इन ओनली इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्या होगा इसका, ये IgM और IgG दोनों ही प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अभी अभी हम लोगों ने ये 7 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि IgM इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सिक्रीशन लाइक टीयर सलाइवा कोलेस्ट्रॉल, तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन जहाँ पर बात होती है तो वो IgA होता है। इसके बाद है द प्राइमरी IgA ऑफ एक्सो सिक्रीशन, अभी अभी हम लोगों ने बात किया एक्सो सिक्रीशन यानी कि टीयर हो सलाइवा हो, ये एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन गट में भी होता है IgA, तो इसमें IgA का ही नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजेन बाइंडिंग डोमेन कॉन्ट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीबॉडी, तो क्या होगा इसका, पहला है सुपेरियरिटी ओनली, सेलेक्टिविटी ओनली, सुपेरियरिटी एंड स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, तो इसका क्या होगा, सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। एंटीजन और एंटीबॉडी जो बाइंड करता है, तो एंटीजन बाइंडिंग डोमेन जो होता है काफ़ी सेलेक्टिव होता है और स्पेसिफिक होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो इस चार ऑप्शन को पढ़ते हैं कौन सा रॉन्ग है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिक्वायर द यूज ऑफ मैमल्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द एनिमल। ये दोनों बातें एक ही है कि अगर ये सेकेंडरी इम्यून को रिस्पॉन्स करता है तो प्राइमरी को नहीं करेगा प्रोडक्शन में, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिक्वायर द यूज ऑफ मैमल्स, ये भी सही है। ब्लड कलेक्शन फ्रॉम एनिमल ये गलत है इसमें, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू लाइट चेन एंड टू हैवी चेन, ये ईजी है, इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है, टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन। द एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल विच आर रिस्पॉन्स टू हेपेटाइटिस बी वायरस, कौन सा हेपेटाइटिस बी वायरस पे रिस्पॉन्स करता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस, इपीटॉप्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एंटीबॉडी, क्या होगा इसका ऑप्शन। एंटीजन रिसेप्टर ऑन वी सेल, बी सेल पे कौन सा एंटीजन रिसेप्टर है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट में काम करता है, तो होगा इपीटॉप्स, उसको कहते हैं इपीटॉप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज फॉर ICMR यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आवर मेल you can contact us on WhatsApp, you can also mail personally to me. Thank you so much for watching the video. Be healthy, be happy. Thank you so much.